इसमें वधु बे आरोपी झड़पाया छे। निशिकांत सिन्हा अने सुमित राजपूतनी धरपकड़ करवामां आवी छे। गुजराती टीएसए बन्ने आरोपी ने झड़पी पाड्या छे। जुनियर क्लार्क पेपर लीक केस में अत्यार सुधी में कुल 19 आरोपी झड़पाया छे। तो जुनियर क्लार्क पेपर लीक केस में वधु अपडेट सामे आवी रही छे। वधु बे आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी छे। निशिकांत सिन्हा अने सुमित राजपूतनी धरपकड़ करवामां आवी छे। तो आ पहला 15 आरोपी झड़पाया था, तेमना 12 दिवस का रिमांड मंजूर करवामां आव्या हता। त्यारबाद वधु एक आरोपी झड़पायो। त्यारबाद सरोज नामनो 17 आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी हती। हवे आजे वधु बे आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी छे, जेमां निशिकांत सिन्हा अने सुमित राजपूतनो समावेश थाय छे। आपणे जणावी दईए कि जुनियर क्लार्क पेपर लीक कांडमां अत्यार सुधी में 19 आरोपी की धरपकड़ थई चुकी छे। तो आज वधु बे आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी छे। निशिकांत सिन्हा अने सुमित राजपूत की धरपकड़ करवामां आवी छे। तो जुनियर क्लार्क पेपर लीक केस में जहां जे विद्यार्थीओ छे, जे युवा उम्मेदवारो छे, ते जे पेपर लीक कांड में संडोवायेला लोको छे, तेमने सजा थाय तेवी मांग करी रह्या छे। त्यां एक तरफ पोलीस छे, ए पण एक्शन मोड में आवी गई छे। वधु बे आरोपी की धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। गुजरात एटीएसए बन्ने आरोपी ने झड़पी पाड्या छे। आ पेपर लीक कांड में अत्यार सुधी में कुल 19 आरोपीओ की धरपकड़ थई चुकी छे। तो आ पहला 15 आरोपी की धरपकड़ थई हती, ए 15 ना 12 दिवस ना रिमांड मंजूर करवामां आव्या हता। 10 फेब्रुआरी सुधीना रिमांड मंजूर करवामां आव्या हता। त्यारबाद वधु एक आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी। त्यारबाद बुधवारे वधु एक आरोपी सरोज की धरपकड़ करवामां आवी। आम कुल 17 आरोपी की धरपकड़ थई हती। आजे वधु बे आरोपी की धरपकड़ थता जुनियर क्लार्क पेपर लीक केस में वधु 19 आरोपीओनी धरपकड़ थई चुकी छे। तो आपने जणावी दईए कि आ जे पेपर लीक कांड छे ते मामले गईकाले युवराज सिंहे पण प्रेस कॉन्फरन्स करी हती, अने साथे तेमणे हजु पण केटलाक लोको आ पेपर लीक कांडमां संडोवायेला छे ते प्रकारना आक्षेपो कर्या हता। आ साथे ज तेमणे मनहर पटेल पर पण आक्षेपो कर्या हता। मनहर पटेलनो अगाउ पण जे एलआरडीनी परीक्षा छे, टेट टाटनी परीक्षामां तेमनुं नाम संकळायेलुं हतुं। फरी एकवार युवराज सिंहे मनहर पटेल पर पण आक्षेपो लगाव्या छे, अने तेमणे आ साथे अन्य बीजा लोको पण आ पेपर लीक कांडमां संडोवायेला होवाना आक्षेपो लगाव्या छे। साथे तेमणे सीबीआई तपास थाय तेवी मांग पण करी छे। त्यारे आजे जुनियर क्लार्क पेपर केसमां वधु बे आरोपीनी धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। आ पेपर लीक कांडमां निशिकांत सिन्हा अने सुमित राजपूत बे आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी छे। गुजरात एटीएसए आ बंने आरोपी ने झड़पी पाड्या छे। जुनियर क्लार्क पेपर लीक केस में अत्यार सुधी कुल 19 आरोपी की धरपकड़ थई चुकी छे। आपने टीवी स्क्रीन पर जे दृश्यो जोवा मळी रह्या छे, जे फोटो आपने जोवा मळी रह्या छे, जे आरोपी छे पेपर लीक कांड में संडोवायेला ए आरोपीओना फोटा आपने जोवा मळी रह्या छे। कुल 19 आरोपीओ के जेनी धरपकड़ थई चुकी छे। हजु पण वधु आरोपीओनी धरपकड़ थाय तेवी शक्यताओ जोवा मळी रही छे। तो गुजरात एटीएसए आ कार्यवाही करी छे, वधु बे आरोपीओनीए झड़पी पाड्या छे। तो जुनियर क्लार्क पेपर लीक केसमां वधु बे आरोपीनी धरपकड़ निशिकांत सिन्हा अने सुमित राजपूत आ बे आरोपीनी धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। तो आम कुल जुनियर क्लार्क पेपर लीक केसमां वधु बे आरोपीनी धरपकड़ थता कुल 19 आरोपीनी धरपकड़ थई चुकी छे। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા પ્રદીપ કચ્યા લાઈવ જોડાયા છે। પ્રદીપ, બુધવારે જ્યાં જુનિયર ક્લાર્ક પેપર લીકમાં સરોજ નામના આરોપીની એટીએસએ ધરપકડ કરી હતી, હવે આજે વધુ બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, શું છે વધુ અપડેટ? બિલકુલ વત્સલ, જુનિયર ક્લાર્કની જે પરીક્ષાનું પેપર લીક થયું હતું, પેપર લીક થતાની સાથે ગુજરાત એટીએસની જે ટીમ છે તે ટીમ દ્વારા કાર્યરત થઈને કોલકાતા વિસ્તારની અંદરથી જે આરોપીઓ પકડવામાં આવ્યા હતા ત્યાંથી વધુ બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। નિશિકાંતસિંહ અને સુમિત રાજપૂત નામના બે જે આરોપી છે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એટીએસ દ્વારા તેની ધરપકડ કરી અને હજુ પણ આ કેસની જે છે તે તપાસ ચાલી રહી છે। તપાસના અર્થે અત્યાર સુધીની અંદર કુલ જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાત એટીએસ દ્વારા કુલ 19 જેટલા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તમામ આરોપીની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને જેમ જેમ નવા નામ ખુલતા જાય છે વત્સલ, તે પ્રકારે જે આરોપીની ધરપકડ કરવાની જે કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। હાલ ગુજરાત એટીએસની જે ટીમ છે તે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને આ કેસની અંદર તપાસ કરી રહી છે અને તપાસના અર્થે જે પણ નવા નામ ખુલી રહ્યા છે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી રહી છે। ગુજરાત એટીએસની ટીમ દ્વારા જ્યારે પેપર લીક જે થયું હતું તે પેપર લીક થતાની સાથે તાત્કાલિકના ધોરણે કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી અને કાર્યવાહી શરૂ કરતાની સાથે જે આરોપીની છે તે ધરપકડ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને એક પછી એક આરોપીઓની ધરપકડની જે કાર્યવાહી છે તે ગુજરાત
एटीएस टीम द्वारा कर रही थी। हाल अत्यार सुधी एटीएस टीम द्वारा कुल 19 जेटला आरोपी की धरपकड़ कर हजू पण तपास गुजरात एटीएस की आ जुनियर क्लार्क पेपर ने लईने हाल चाली रही है। हजू पण एटीएस टीम ने शंका है कि हजू वधु में वधु मतलब आरोपी पकड़ाय अने जे नवा आरोपी नाम जे खुले तेने लईने पण हाल तो तपास एटीएस कर रही है। जी बिल्कुल जी प्रदीप माहिती साथे जोड़ा बदल आभार। जुनियर क्लार्क पेपर लीक केस में वधु बे आरोपी की धरपकड़ कर गुजरात एटीएसे आ कार्यवाही की है। निशिकांत सिन्हा और सुमित राजपूत की धरपकड़ कर आ बने आरोपी की कोलकाता की धरपकड़ कर